Assalamu alaikum sir, welcome to CSS Examined, and today is our interview with Sir Nadeem Aurangzeb, and he's from 49th Common Pakistan Administrative Service. Or the story is that we were actually going to north, or last time Sir Umar and I decided to meet Sir Nadeem Aurangzeb at Islamabad because he was already making headlines. So we really wanted to dig out the story, ki sir ki actual story kya hai, and then obviously paint a different picture and provide an analysis for students के students को idea हो सके कि अगर emotional या financial limitations हो even that you, even after that you can do civil services exam. So we will share a little bit of excerpts of the candid talk we had with him in Islamabad, and I hope that will be a story of inspiration for all of you. So let's go to sir. Sir सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ ना, where did you start? Your dad was a banker, as far as I know. हमने जब discussion कर रहे थे, your dad was a banker. And he was posted at a very fine place in Karachi early when you were probably in your KG first and second class, round about that time. वहाँ से जरा start करें sir. मैं जी मेरे father Bank of Khyber में थे. He was at a good position, assistant director की position पे थे. And he was very keen on educating me. और इस वजह से मेरे father ने मेरा जो admission कराया वो city school में करवाया. It's very nice. One of the finest schools in Karachi, out there. Back then, उस जमाने में तो था भी. और मैंने वहाँ से. This is we are talking about 94. We are talking about 98, 99, क्योंकि 93 की मेरी पैदाइश है, and I was around 5 years जब हम केजी में मैं गया. तो वहाँ पे मैंने सिटी स्कूल में केजी पढ़ी, देन मेरे फादर की जो है वो ट्रांसफर हुई इन द सेम बैंक, बैंक ऑफ खैबर पेशावर में, और वहाँ पे मैं जो है वो बिकन हाउस पढ़ने का मुझे मौका मिला. उस जमाने में आई थिंक इट वाज कमिंग अप, बिकन हाउस भी एक नया और एक बड़ा इमर्जिंग एंड वेरी वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम. और उस टाइम पे सिर्फ दो ही स्कूल हुआ करते थे जो बड़े पॉपुलर थे, एक सिटी स्कूल और एक बिकन हाउस, जो जो ज्यादातर लोगों को जिनका पता था, एंड दे हैड अ वेरी फाइन स्टैंडर्ड. मतलब दे वर एक्चुअली टारगेटिंग दैट स्ट्रेटा जो कि मतलब एक सोफिस्टिकेटेड क्लास के और एजुकेटेड है और वेल एजुकेटेड क्लास क्रिएट कर. तो वहां पे और देयर वाज नो डाउट कि मेरी जो क्लास केजी और क्लास 1 में जो मुझे एनवायरमेंट मिला जो कुछ लर्निंग के लिए और जो उनका सिस्टम था, इट हेल्प्ड मी अ लॉट और मेरी एक मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिला. लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि खुदा के जो मामलात हैं वो कुछ बाज़फा you know you are not expecting things or wo life mein aate hain aur I am sure sabke sath aisa aksar hota hai. So mere father ki jo hai he lost his job, aur when he lost his job kyunki hum rent pe rehte the and all that stuff, so fir hame move back karna pada into our native village. Village was in Aptabad. Yes, mera native village district Aptabad mein hai. It's a very distant remote place. There were actually three districts in Aptabad mein, tehsil तहसील है ठीक है. उसमें से एक तहसील जो सबसे रूरल तहसील है वो मेरी है, और वो रूरल ऐसी है कि वो माउंटेन्स हैं, और मतलब उस जमाने में वहाँ पे कच्चा रोड होता था. सो इट इज प्रीटी मच मतलब आप ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन एंड दैट इज वेयर यू पीपल वेंट. यस दैट्स वेयर वी वेंट, एब्सोल्युटली वेरी आइसोलेटेड, नो कनेक्शन विद द मॉडर्न वर्ल्ड, नो कनेक्शन, नो काइंड ऑफ एजुकेशन देयर. ठीक है, वहाँ पे कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी. वहाँ पे फिर एक सरकारी स्कूल था, और उस सरकारी स्कूल में वो तख्ती पे लिखना, वो स्लेट पर लिखना, और नीचे बैठकर टाट पे बैठकर, कुर्सियां नहीं होती थी, और वो टीचर्स भी फिर आप खुद समझ सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या था वहाँ पे. फिर सिटी बिकन के बाद एकदम सिटी बिकन के बाद वहाँ पे मैं आया, और मैंने अपना ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 तक मैं वहाँ पे पढ़ा. एंड दैट गवर्नमेंट स्कूल जो था, दैट वाज आई मीन इट वाज No comparison, no comparison, no comparison. It was like जमीन और आसमान का फर्क था, as you well pointed out. So एकदम वो जो मैंने पहले दो साल जो अच्छे इंस्टीट्यूट में गुजारे थे, अब मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे there was nothing, no learning, not at all. ठीक है, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि things then took a turn. और मेरे फादर को एक एक, एक मीडियोकर जॉब मिल गई कराची में, बैक टू कराची आ गए जी. और मैंने ग्रेड 5 जो है वो एक एक एक, एक एवरेज स्कूल से पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन बता रहे हैं जी, मेट्रोपॉलिटन स्कूल है, इट्स अ गुड स्कूल, लेकिन ऑब्वियसली नॉट इन कंपैरिजन ऑफ बिकन हाउस सिटी स्कूल या उस तरह. सर्कमस्टेंसेस वर नॉट इन फेवर कि आप उस तरह. नहीं, ऑब्वियसली नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन स्कूल में मैंने पढ़ा, बट इट वॉज अ गुड डिसेंट स्कूल. वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक में आई गॉट 84% अराउंड अबाउट कराची बोर्ड से, विच वॉज अ गुड परसेंटेज. और साइंसेज में मैंने मैट्रिक की, 84% मिली. फिर थोड़ा सा एक टर्न आ गया लाइफ में. सून आफ्टर मैट्रिक, सून आफ्टर मैट्रिक डैड पोस्टेड बैक वेयर? यस, माय फादर एक्चुअली लॉस्ट हिज जॉब अगेन एंड वी वर इन अ बिट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच एज वेल.
यहाँ पे मतलब चीजों को शेयर करने का मकसद ये नहीं है टू गेट द सिंपथी बट जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, मतलब जो लोग आउट देयर हु आर लिसनिंग, हु आर प्रिपेयरिंग. देखिए मेरा फाइनेंशियल इशू था, किसी का कोई और इशू हो सकता है, किसी का कोई इमोशनल इशू, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, स्किल्स के इशू, स्किल्स का इशू हो सकता है, किसी का स्टार्ट वीक था तो अब उसको वो प्रॉब्लम हो रही है. तो मतलब हर किस्म के इश्यूज हैं. द पॉइंट हियर, द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दिस, कि लोग समझें कि जब आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, सो यू आर नॉट टू रन अवे फ्रॉम दोस चैलेंजेस, यू हैव टू ओवरकम दोस चैलेंजेस विद योर विल, विद परसेवेरेंस, विद स्ट्रगल. दिस इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी. सर आप उसके बाद बताएं, आपके डैड, आई थिंक यू वर टेलिंग ही गॉट पोस्टेड इन रावलपिंडी, या वो आप लोग रावलपिंडी? हम लोग रावलपिंडी आ गए मैट्रिक के बाद. मेरे डैड ने अगेन ही लॉस्ट हिज जॉब, और क्योंकि हम रेंट पे रहते थे तो थिंग्स वर नॉट मैनेजेबल, सो आई स्टार्टेड अ लिटिल बिजनेस वेंचर. और मैंने कराची से ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की. प्री इंजीनियरिंग में मैंने की, आई वाज डूइंग अ बिजनेस एज वेल. एक स्कूल में मुझे कैंटीन मिली, मैं वहां पे उस कैंटीन को भी रन कर रहा था, मैनेज कर रहा था, एंड मैं खुद कर रहा था, एंड दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली शार्पन्ड माय entrepreneurial skills as well. Very nice. So वो भी hands-on बड़ा experience. Hands-on experience, and it was an enriching experience as well. क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. It's every work gives you enriches you. It gives you exposure. Man management and labor management. It is one important skill जो कि आगे भी आपको required है. And I think it was a very good start, sir. And when I look down upon, I cherish that experience as well. और उसमें that helped me to mature as well. तो फिर मैंने साथ साथ business manage किया, साथ साथ मैंने government college से first year, second year की pre-engineering. अब हमारी कराची में सेटिंग नहीं हो पा रही थी एंड फाइनेंशियली इश्यूज बढ़ते जा रहे थे. Things couldn't settle down. तो क्योंकि रावलपिंडी जो है वो हमारा एक किस्म का एक लोकल स्टेशन है, क्योंकि फ्रॉम रावलपिंडी जो मेरा एबटाबाद के अंदर जो मेरा विलेज है, दैट इज अबाउट 2 hours. रावलपिंडी में ज्यादातर पीपल लिविंग इन एबटाबाद, दे ऑलवेज लिव हियर इन रावलपिंडी. वो रावलपिंडी में वो पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक तो अपने होम टाउन के भी करीब होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू, और आप अपने इलाके के भी करीब होते हैं. कराची वॉज वेरी फार अवे. So there was no reason to live there now. फिर हम यहाँ पे आ गए, और उसके बाद मैंने जो है वो सेकेंड ईयर के बाद हमने यहाँ पे मैंने आके जनरल स्टोर शुरू कर दिया. एक यस एक जनरल स्टोर बाकायदा, मतलब जनरल स्टोर जो जहाँ पे आप दाल चावल आटा वगैरह सेल करते हैं. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एज वेल. वहाँ पे मुझे पता चला कि एंड द नेबरहुड जहाँ पे वो जनरल स्टोर था, द पीपल वर नॉट वेरी एजुकेटेड देयर एज वेल. सो वहाँ पे मुझे एक ये चीज सीखने को मिली कि हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, हाउ टू डील विद पीपल हु आर नॉट वेरी एजुकेटेड, हाउ टू डील विद देम. उनके क्या बायसेस हैं, क्या प्रेजुडिसेस हैं, या उनके क्या चैलेंजेस हैं. इवन जब आप ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है लोगों को, तो आपको सोशल इश्यूज, सोशल इवल्स का पता चलता है. सो दैट वाज अ लर्निंग इन इट्स ओन राइट. लेकिन ये था कि क्योंकि इस सारी सर इस दरमियान में ये जो एक पैटर्न ऑफ लाइफ है स्ट्रगल, बिकॉज यू वरंट बॉर्न विद गोल्डन स्पून, राइट, एंड यू वरंट बॉर्न विद अ कॉन्ट्रैक्ट के आपके साथ इस तरह की जिंदगी होगी. आपने खुद तो डिसाइड नहीं किया, यू वर बॉर्न इनटू सर्कमस्टेंसेस. बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी वर टॉकिंग आउट, आई नीड टू पॉइंट दिस आउट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, कि यू आर इज एन एग्जाम्पलरी, इनफैक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन इट्स ओन राइट. आप अपनी साइड के ऊपर यू वर सिक्योरिंग वेरी फाइन मार्क्स, यू वर पार्टिसिपेटिंग इन काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, यूथ प्रोग्राम्स में आप वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड पोजिशन ले रहे हैं. अ लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑन दैट टू, ताकि फिर हम कहानी को फिर से स्टार्ट कर सकें, वो भी जरा थोड़ा साथ साथ सुना दें. ये बात सही है कि इससे पहले कि कोई ये इंप्रेशन किसी को जाए कि मैं आई वॉज यू नो मैंने निगलेक्ट की हुई थी स्टडी, इट वॉज नॉट लाइक दिस. फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से आई वॉज डूइंग बिजनेस, आई वॉज डूइंग यू नो ऑल काइंड ऑफ ऑड जॉब्स, क्योंकि अब एक मैट्रिक के बंदे को तो एक प्रोफेशनल जॉब तो नहीं मिल सकती. सो वो मैंने ऑड जॉब जरूर कर रहा था, मगर जितना भी मुझे टाइम मिल रहा था, आई वॉज कंटिन्यूसली शार्पनिंग माई स्किल्स, आई वॉज कंटिन्यूसली यू नो इम्प्रूविंग माई एकेडेमिक्स, माई स्किल सेट जो मेरा था वो इम्प्रूव कर रहा था. मैं क्लास 5 से ऑनवर्ड जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं इंग्लिश में बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था. इनफैक्ट माई फादर एंड आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश, कन्वर्स इन इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन माई सेकेंडरी लेवल एज वेल. तो वो घर का माहौल पढ़ाई का, और वो एक पढ़ाई की तरफ तवज्जो, और खुद से भी एहसास और शौक पढ़ने का वो बिल्कुल था, क्योंकि इसके बगैर तो ग्रोथ हो नहीं सकता. आई वुड लाइक टू, आई एम सॉरी टू कट यू डाउन, बट आई लाइक टू टेल द ऑडियंस यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी और मजेदार सी चीज, दैट व्हेन यू वर हियर मैनेजिंग अ जनरल स्टोर, यू टोल्ड अस, हम बात आपके साथ वैसे ही कर रहे थे, हमारा पर्पज भी यही था किसी तरीके से कम्युनिकेट करें ऑडियंस को,
तो सर वॉज एक्चुअली ऑन वन एंड सेलिंग जनरल स्टोर आइटम्स, वही दाल चीनी एंड एवरीथिंग, और ऑन द अदर एंड बड़ी मतलब अजीब सी चीज़ है, बल्कि हम तो पास मतलब एस्पिरेंट्स होने के बावजूद भी ये नहीं करते. सर वॉज टेलिंग कि सर ने रेनल मार्टिन की किताब रखी होती, टेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और ऑन द अदर हैंड ही वुड हैव अ डॉन न्यूज़पेपर इन हिज हैंड. सो दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन. ऑब्वियसली आपको सोसाइटी तो स्टिग्मेटाइज करती है, वहां पर बैठे हुए आप एक काम कर रहे हैं, पीपल वुड नेवर हैव थॉट कि मैन दिस बंदा जो है ये क्या कर रहा है और ये कहां पर अचीव कर रहा है. सर अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑन दैट. नहीं वाकई ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं वाकई जनरल स्टोर चला रहा था और मुझे ये चीज़ बैक पे थी कि देखें सर्कमस्टांसिस ने मुझे इस बात पे कंपेल किया टू डू द बिजनेस एंड टू यू नो टू कम इनटू द इकोनॉमिक लाइफ. मगर इनसाइड मी अक्सर ये होता है कि कामयाब लोगों में, जितने भी कामयाब लोग हैं, वट एवर द फील्ड इज, वेदर इट इज सिविल सर्विस, बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन हो, उन सब में एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है एंड दैट इज द डिज़ायर टू लर्न, द डिज़ायर टू ग्रो. सो दैट वॉज देयर इन मी कि मैं अगर जनरल स्टोर पर भी बैठा हूँ तो जो मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसको अपने जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी एकेडमिक ग्रोथ है, उसके लिए मैं उसको यूटिलाइज कर रहा था. सो मैंने रेनन मार्टिन वहाँ बैठ के पढ़ी जनरल स्टोर पर, मैं डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ता था, कभी कभार राइटअप्स लिखता था वहाँ पर. तो ये चीज़ें थी कि जिसने कंटिन्यूसली मुझे मेरे अंदर ग्रोथ आती गई. देखिए ऐसा नहीं होता कि आप एकदम उठें और आप कहें कि मैं CSS एकदम पास कर लूँ, इतना बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम, क्योंकि CSS के अंदर एक एकेडमिक रिगर है, CSS के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है. तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, डे बाई डे आपने इम्प्रूव करना है, आपने यू हैव टू बी ऑन द ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री, और फिर जाके यू आर इन द एंड यू आर एबल टू कम टू अ लेवल जहाँ पे आप जो है वो सर बैक अगेन टू द स्टोरी. यू आर एट जनरल स्टोर मैनेजिंग स्टाफ एंड देन द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु कम्स अप टू यू एंड आस्क, और जहाँ से फिर यू गेट इजेक्टेड आउट और फिर देन यू फॉलो द पाथ. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैं ये भी हम सोच सकता हूँ कि क्या पता दिस वॉज सम काइंड ऑफ यू नो स्कीम ऑफ गॉड. स्कीम ऑफ गॉड इट वॉज. ठीक है, अल्लाह ताला चीज़ों को किस तरह करते हैं टू ब्रिंग यू बैक ऑन ट्रैक. यस, टू ब्रिंग मी बैक ऑन ट्रैक. हुआ ये कि मैं क्योंकि जनरल स्टोर करता था तो हमारी नेबरहुड में ही एक क्लास नाइन्थ का एक स्टूडेंट थे, उनका नाम समर अब्बास है, शायद वो अब सुन भी रहे हो, एंड इज़ अ वेरी फाइन यंग मैन. तो वो आए मेरे पास एंड ही वॉज यू नो आए आके जूस लिया और आके खड़े होकर जूस पी रहे थे एंड ही वॉज अ बिट टेंस, थोड़े परेशान से. तो क्योंकि हमारी एक फ्रेंकनेस थी, आया आज के समर क्या हुआ यार आज तो बड़े परेशान हो. सो ही सेड कि नदीम भाई मेरा ना स्कूल में टेंसेज का टेस्ट है और टेंसेज मुझे समझ नहीं आते इंग्लिश के टेंसेज एंड आई एम वेरी वरीड एंड माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल और वो मेरे घर पर फिर मुझे कॉल करेंगे घर वालों को एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट एम्बेरेस्ड. सो अब पता नहीं क्या होगा मेरा. सो आई सेड टू हिम के समर ऐसा करते हैं कि कल आपका टेस्ट है तो मैं आपको टेंसेस सिखा देता हूँ एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड एंड ही वॉज लाइक मतलब वो मेरी शक्ल देख रहे थे कि वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट, मतलब एक जनरल स्टोर में वो ये कह रहे हैं कि जी आपको मैं टेंसेस एंड ही वॉज नॉट ट्रस्टिंग मी कि सर आप टेंसेज पढ़ाएंगे. मैंने कहा जी देखिए ये मेरा बिजनेस है बट स्किल सेट मेरे पास है, आई कैन टीच यू. सो मैंने उन्हें कहा कि आप जाओ जाकर एक पेन और रजिस्टर ले आओ, क्योंकि आपको पता है जनरल स्टोर में लॉन्ग आवर्स होते हैं, हमें 15-15 घंटे जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती है. तो मैं सब कुछ जनरल स्टोर के अंदर ही कर लेता था. सो वो समर गए, वो वापस आए, वो पेन और कॉपी लेकर आए, मैंने उनको टेंसेज का एक लेक्चर दिया एंड द नेक्स्ट डे ही केम एंड ही सेड एंड ही वॉज सो इलेटेड, सो हैप्पी एंड ही सेड नदीम भाई आई गॉट 9 out of 10 intensive nice, and he was so happy and I was happy as well. Nice. मतलब मुझे कहीं लग रहा था ना कि जब आप जनरल स्टोर कर रहे होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो हाँ मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी स्किल सेट कहीं पे वो कुछ वो खराब तो नहीं होगी, रस्ट आउट क्योंकि वो यस क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है, इट वाज नॉट इन द प्रैक्टिस. बट जब वो समर आया एंड ही टोल्ड मी सो आई रियलाइज्ड कि नहीं I have the capability. So through him, you got your first paper checked. Yes. Yes, my first paper was checked through him. और फिर and next day, very next day, he came up with a proposal कि मेरी अम्मी कह रही हैं अगर आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दें. Oh, very nice. Now this was the scape I was looking. क्योंकि मैंने कहा कि अच्छा ये ठीक है कि टीचिंग की अगर मैं तरफ जाता हूँ and as everybody know कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप किसी भी लेवल के ऊपर टीचिंग करें, it teaches you. Exactly. It gives you confidence, it gives you clarity of thought, and it gives you an expression. Exactly. So ये चीज़ें जब मुझे लगी which was obviously general store के अंदर क्योंकि it's a different ball game
different dealing hoti hai aapki. So I thought teaching would be a better profession for me, which will help me to excel as well. Very nice. So wahan se maine phir tuition start ki, private tuition start ki, tutoring, aur phir tutoring karta gaya, and in a very short time I became a very famous teacher, and that's because kyunki wo skill set jo main develop kar raha tha wo maujood tha. That was there. Yeah. Phir, and then the whole story, boys and girls are coming aur aap padha rahe ho, main padha raha hu, and I became very famous. Saath mein phir maine jo hai wo government college se BSc kiya 2 saal ka. और जब मैं BSc कर रहा था, सो इंटरेस्टिंगली मेरे फादर ने भी CSS का एग्जाम दिया हुआ back था बैक इन 96-97 ठीक है. और वो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो चीज उनमें थी. हिंदी में यू कुड हैव मतलब इस साइड पे जाया जा सकता. एक ख्वाहिश थी वो, एक फादर की ख्वाहिश थी कि अब मैं तो नहीं कर सका, लेकिन अगर मेरा बेटा CSS कर जाए तो दिस वॉज समथिंग ही वॉज लाइक यू नो, एक उनके दिल में एक ख्वाहिश थी. एंड ही यूज टू गाइड मी एज वेल. वो मुझे बताते होते थे कि CSS कर जाओ, CSS इज अ वेरी चार्मिंग जॉब, इट्स अ वेरी गुड जॉब, एंड CSS गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल एंड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. क्योंकि देखें हम लोग ये समझते हैं और लोग जानते भी हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ वो है जो सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है. सो देर कैन बी मैनी प्लेटफॉर्म्स, आई एम नॉट सेइंग सिविल सर्विस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, देर कैन बी मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी, बट सिविल सर्विस इज वन ऑफ देम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस वन, वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं कि बेस्ट वंस इन माय थिंकिंग. नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट. वो आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड वे आप सोसाइटी के अंदर इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते. सो मेरे फादर ने जब मुझे CSS का कहा तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट CSS. ठीक है. मीनवाइल मेरा BSc भी कंप्लीट हो गया. जब 2 इयर्स का BSc कंप्लीट हुआ, नाउ आई बिकेम एलिजिबल. अब मैं एलिजिबल हो गया, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन मेरी हो गई. एंड पीपल हु आर आउट देयर जो ये समझते हैं कि CSS जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के बगैर नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो या कोई आपके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो आपका, या आप ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, या मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग दैट. मेरे अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं थी, ना मैंने किसी मतलब वो जो सारे जो चीज़ें हैं दैट वी हैव अटैच्ड, द कंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव डन कि जी ये CSS के लिए ये रिक्वायर्ड है. You have challenged it all up, and very honestly, to some extent, you have challenged it within me also. कि मैं भी कुछ सोचता था. I also had this thing in mind कि probably some people are guided better, some people are that. But when I look up to you and when I see you ना, तो मैं realize करता हूँ कि it's only hard work and effort. And then Allah Taala जो है वो चीज़ों को बिल्कुल उसी तरीके से align कर देते हैं. My life, my struggle, and now my achievement of cracking the CSS in the very first attempt and getting allocated to Pakistan Administrative Service, ये एक ये exemplification है इस चीज़ की कि sky is the limit. Sky is the limit. यानी कि human mind, human जो एक struggle होती है, it knows no bounds. तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ सबको कि जो लोग obviously हर individual की अलग strengths हैं, अलग weaknesses हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें जो disadvantages हैं life में, या हमारे जो अंदर पर्सनैलिटी के अंदर जो lacunas हैं, उनको हम ये समझ के कि यार चलो क्योंकि ये हमारे अंदर ये वीकनेसेस हैं तो हम हो ही नहीं सकते, या वी कैन नॉट गेट आर गोल, ऐसा नहीं करना. द पर्पस ऑफ नैरेटिंग होल दिस स्टोरी इज दिस कि जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करें, उसको आइडेंटिफाई करें अपनी वीकनेसेस को. सर उसके ऊपर जाते हैं. आई लर्न्ड दैट थिंग. मैं आज जिक्र भी कर रहा था स्टूडेंट्स विद माय कोलीग्स के हमने भी कुछ गलतियां की हैं इन आवर अटेम्प्ट्स, एंड हमने उस चीज को उस तरीके से देखा नहीं. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस सर वाज इन, he was a lot much mature when he was attempting for the first time, aur unhone apne aap ko evaluate kiya tha. humne to ek ek do attempt hai sirf apne aap ko paper examiner evaluate karke bhejta raha hai ki bhai humne kya kiya. so sir before we go on into that direction, zara ek a little bit of how you passed the exam, CSS ka result, because that in itself has a story aur wo badi mazedar hai. CSS ka return jab aaya to kya hua? मैं जब इसमें ये था कि मैं जब पहली बात है जब क्योंकि मेरा पहला अटैम्प्ट था और कोई टीचर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, किस मैंने कोई इवेल्यूशन नहीं करवाई, यू नो, तो ऑब्वियसली एक वो डाउट तो सबको ही होता है, बिकॉज यू नो यू आर नॉट वेरी, यू कैन कॉन्ट बी श्योर इन सच अ बिग एग्जाम. लेकिन डीप डाउन कहीं पर था कि मे बी शायद मैं क्रैक कर जाऊँ. अब मेरा जब रिजल्ट आया, माई फादर वॉज इन कराची, ही इज़ डूइंग जॉब इन कराची, वो कराची में होते हैं. सो मेरा जब रिज़ल्ट आया, तो मैंने उनको कॉल की अपने फादर को. और जब मैंने अपने फादर को कॉल की, जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया और आई वॉज एलोकेटेड इन टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विच वॉज ड्रीम ऑफ माई फादर, तो जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो आई कॉल्ड हिम
and he picked up the call, and I said to him with a very proud voice and with a sense of satisfaction and a sense of achievement, I called him and I said to him that the Assistant Commissioner Nadeem Aurangzeb is talking. And my father was so happy, he was so elated, and he was so moved, overjoyed, jisko kehte hain. And my father started weeping on phone, or he was not able to talk, even I was not able to talk as well. Emotional wo ek hota hai, aur uske baad jo hai wo he said to me ki main aapko thodi der baad call karta hu, and fir baad mein unhone mujhe bataya ki he was literally crying. Fir unhone do nawafil padhe masjid mein jaake, and when his dream came true, so that was a great reward, I think. And wo Allah taala ne mujhe reward diya. Wo remark bhi bataya na jo aapke dad ne kaha, वो मतलब उन्होंने मुझे क्योंकि हम एक दिन पहले हमारी गपशप हो रही थी, एंड माय फादर सेड टू मी कि यार आई थिंक कि आप एलोकेट तो हो जाओगे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस. उनका अपना एक एक्सपीरियंस था, उनका एक एक्सपीरियंस था, एंड आई एम जस्ट वांटेड टू टेल पीपल कि माय ओन फैमिली वाज सेइंग दैट आई विल नॉट बी एबल टू गेट द फर्स्ट. क्योंकि हम तो बार दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें अगर कोई बहुत ही दूर का रिश्तेदार या कोई वो बंदा जिस जो हमें जानता ही नहीं है, अगर वो भी रिमार्क दे दे कि आप सीएसएस नहीं कर सकते, तो हम पर्सनल ले लेते हैं. और हम कहते हैं कि अच्छा यार, उसने कहा मैं सीएसएस नहीं कर सकता, क्या मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है, क्या मैं हूँ ही ऐसा. दिस इज जस्ट टू टेल द पीपल आउट देयर जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी के कहने पर, किसी के रिमार्क पे, कि माई ओन फादर सेड टू मी वन डे बिफोर द रिजल्ट कि यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस. बट एट दैट टाइम मैंने अपने फादर को भी कहा कि 70% आई थिंक आई'll be able to get माई फर्स्ट प्रेफरेंस. और जब आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जब मैंने फोन किया एंड आई सेड टू हिम कि असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब इज टॉकिंग, सो ही वाज ओवरजॉयड, वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी इमोशनल. और फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, एंड ही ऑब्वियसली फेल्ट वेरी प्राउड ऑन मी. सो दिस इज समथिंग विच गेव मी सेल्फ सेटिस्फेक्शन एज वेल. एंड ये सब तभी हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी इस पूरी स्ट्रगल में, बिलीफ इन गॉड एंड परसिवियरेंस को नहीं छोड़ा. सर, द थिंग दैट वी वर टॉकिंग जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू, दैट सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है, यू नेवर नो. इंटरव्यू देने के बाद, मतलब अब तो मेरा एक्सपोजर है, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, लोगों से उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मिल रहा हूँ हर बंदे से. आज तक कोई भी बंदा आखिरी दिन तक इस चीज़ पर सर्टन नहीं था कि मैं पास भी हूँगा या मैं इंटरव्यू में भी हूँगा. देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमें, वी अंडरस्टैंड दैट नाउ दैट वी बीन इन दिस ऑल. ऐसा रूमर हमारे साथ थे, ही माशाल्लाह सिक्योर्ड वेरी गुड, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी है. वी विल टॉक अबाउट दीज मैटर्स ऑल्सो. लेकिन जस्ट टू कंक्लूड, वन थिंग दैट आई हैव सीन इज दिस, दैट व्हेन यू पुट दैट मच ऑफ एन एफर्ट और इतनी मेहनत आप करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला तमाम सितारों को अलाइन कर देते हैं इन अ वे दैट दे मेक द पाथ टूवर्ड योर ओन सक्सेस. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सर नदीम औरंगजेब. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस एग्जामिन. आई एम उमर मुख्तार फ्रॉम 49th कॉमन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बड़ी कैंडिड टॉक की है, इससे पहले वाली जो सीरीज थी सर नदीम से, उनकी लाइफ हिस्ट्री और जर्नी जो सीएसएस की थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उनसे पूछा और इंस्पिरेशन ली. अब हम आते हैं, विल मूव टूवर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं जो एस्पायरेंट्स के, जो एस्पायर कर रहे हैं कि उन्होंने सीएसएस को किस तरह लेके चलना है. तो अब हम सर से उसके आंसर्स लेंगे ताकि आपको उसके बारे में, जो सिविल कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसके बारे में नो हाउ हो जाए कि किस तरह सीएसएस वर्क करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसके स्किल सेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रिक्वायर्ड है. तो हम इनसे क्वेश्चन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अच्छा, सबसे पहले सर मुझे ये बताएं, मेरा जब से हमारी फाइनल रिजल्ट आया तो एक प्लेथरा ऑफ जो है वो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि सीएसएस है क्या. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं, स्टूडेंट्स को, कि सीएसएस है क्या. जी, सीएसएस एक स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और ये सिविल सर्विस बेसिकली है, और सिविल सर्विस इनको ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं. सिविल सर्विस में ये होता है कि सिविल सर्विस वो ऑफिसर्स होते हैं जो आपके मुल्क, आपका जो स्टेट है उसकी पॉलिसी मेकिंग में उनका बड़ा अहम किरदार होता है, और फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में उनका बड़ा अहम किरदार होता है. तो अगर मैं ये कहूँ कि सीएसएस का मतलब यह है कि ये एक सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मतलब यह है कि आप यू बिकम पार्ट ऑफ गवर्नेंस, सोसाइटी में गवर्नेंस का आप हिस्सा होते हैं, एंड इट अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन एंड इन ऑफिसर काडर. और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी सोच, अपनी स्किल्स को यूज़ करके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई थिंक
बैक देन, आज से 2000 साल पहले भी इट वॉज अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि सोसाइटी में यू बिकम पार्ट ऑफ गवर्नेंस, और आज भी ये उसी तरह की प्रेस्टीज के साथ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ इसमें, जो CSS है ये हर साल इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, ये FPSC कंडक्ट करता है, अक्टूबर में इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में BPS 17 के अंदर इंडक्ट होते हैं, जो फाइनल एलोकेशन जिनकी हो जाती है। तो और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ एक कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट अभी वो उसकी डिटेल सर से लेते हैं कि कंपलसरीज क्या हैं और ऑप्शनल क्या हैं और कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए और उसका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में सर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं सर। जी उसमें आपने सही कहा कि 6 कंपलसरी हैं और फिर आपको ऑप्शनल्स भी रखने होते हैं। कंपलसरी में हमारे पास इंग्लिश एसे है, फिर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, उसके बाद हमारे पास एक कंपलसरी में इस्लामियात है, ये 3 पेपर्स हो गए। फिर हमारे पास एक जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स होते हैं, वो जनरल नॉलेज के अंदर आता है, GK1, GK2, GK3। उसमें जनरल नॉलेज में हमारे पास 100-100 मार्क्स के 3 पेपर हैं, एक है जनरल साइंस है, साइंस एंड एबिलिटी है, एक जो है वो हमारे पास करंट अफेयर का पेपर है, और एक हमारे पास जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का है। तो ये सारे मिला के जनरल नॉलेज का जो है वो हमारा सेट बनता है। तो टोटल ऑल इन ऑल आप देखेंगे कि 6 जो है वो पेपर्स हो गए हैं ये कंपलसरी, एंड ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। और आपने ये करना होता है कि जो अलग अलग पेपर्स हैं, यानी इंग्लिश ऐसे, प्रेसियन, कंपोजिशन और इस्लामियात, ये आपने अलग से पास करने हैं, एंड द पासिंग मार्क इज 40 है, 40 को आपने टच करना है। और जो GK है, जनरल नॉलेज का जो 3 पेपर्स का सेट है, उसमें आपने कंबाइन 40% लेने हैं, यानी कि कंबाइन करके आपने 120 प्लस मार्क्स लेने, तब जाके आप सारे कंपलसरी को क्लियर कर लेते हैं। ये तो कंपलसरी हो गया और इसको तो आपने सबको इस तरह क्लियर करना है। फिर हम आते हैं ऑप्शनल्स के ऊपर। ऑप्शनल्स में FPSC ने आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, उन ग्रुप्स में से आपने पेपर्स चूज करने हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, देर आर अ कपल ऑफ ग्रुप्स जहां पे 200 मार्क्स के ऑप्शनल हैं, और बाकी जो ज्यादातर ग्रुप्स हैं वहां पे 100 मार्क्स के पेपर हैं। आप अब आपकी मर्जी, आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि एक ग्रुप से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सो आप एक 200 वाला रख सकते हैं, बाकी 100-100 वाले रख सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने 2 200 वाले रखे थे, इंटरनेशनल रिलेशंस और फिजिक्स, और बाकी 2 100-100 वाले। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, लेकिन एक ग्रुप से आपने एक सब्जेक्ट उठाना है, और वो इस तरह उठाना है कि टोटल जो आपका ऑप्शनल का बन रहा है वो भी 600। सो 600 कंपलसरी, 600 ऑप्शनल, एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 1200। अच्छा सर, ये तो बात होगी कि CSS के सब्जेक्ट्स क्या हैं, CSS होता क्या है और कौन कंडक्ट करता है। अब सर, क्या CSS, मेरे एक क्वेश्चन है कि क्या CSS हर कोई कर सकता है, और अगर हर कोई कर सकता है तो उसके क्या स्किल सेट सेट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दें। देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या CSS हर कोई कर सकता है। इसको ज़रा देखने के लिए ना, हमने देखना यह है कि हमारे पास लोग समझते क्या है। हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म की एक्सट्रीम्स हैं। पहली एक्सट्रीम ये है कि CSS हर बंदा कर सकता है, ये एक एक्सट्रीम हो गई। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि CSS जो है वो बहुत ही कोई स्किलफुल बंदा चाहिए, या बहुत ही एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटीज़ वाला बंदा चाहिए जो CSS, ये दूसरी एक्सट्रीम है। तो हमने दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना। CSS करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्किल सेट चाहिए, एक स्किल सेट चाहिए, और फिर एक चीज़ है आपको एक स्किल सेट, और फिर दूसरा है एक मेंटल एप्टीट्यूड, ये 2 चीज़ें चाहिए। सो स्किल सेट एंड मेंटल एप्टीट्यूड। पहले बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड की। मेंटल एप्टीट्यूड कौन सा होना चाहिए आपका? एप्टीट्यूड ऑफ स्ट्रगल, एप्टीट्यूड ऑफ हार्ड वर्क, एप्टीट्यूड ऑफ परसिवियरेंस, यानी आपने जो पाथ चूज किया है आप उसके ऊपर डटे रहे, ये होता है। और ये CSS के अलावा किसी भी बड़े काम में, लाइफ में अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये मेंटल एप्टीट्यूड आपको चाहिए। अब स्किल सेट, CSS के अंदर क्योंकि एकेडेमिक रिगर होती है, तो CSS के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरह मैट्रिक का इम्तिहान देना है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने रट लिए और आप वो पेपर देकर आ गए, दिस इज नॉट व्हाट CSS इज। CSS में आपको एनालिसिस चाहिए, CSS में आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़कर, आइडियाज लेकर, सिंथेसिस कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है। तो यू नीड एनालिसिस, यू नीड सिंथेसिस, एंड द एबिलिटी टू आर्ग्यू, आर्ग्यू ऑन पेपर। वो आर्ग्यू नहीं कि लोगों से बहस करना बगैर किसी मकसद के, पेपर के अंदर आर्ग्यूमेंट करना, यानी आप अपनी एक राय पेश करें, अपना एक ओपिनियन पेश करें, और फिर उस ओपिनियन को पेपर के अंदर विद स्पेसिफिक कंक्रीट एग्जांपल्स आप उसको डिफेंड करें, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। अब लोग क्या होते हैं, लोग जो है ना वो क्या करना शुरू जाते हैं, अगर हार्डवर्क है, यानी मेंटल एप्टीट्यूड है, हार्डवर्क है, बहुत मेहनती है, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्किल सेट को इग्नोर कर देते हैं।
ना वो एनालिसिस करना सीखते हैं, ना वो आर्ग्यूमेंट डेवलप करना सीखते हैं, ना वो रिटन एक्सप्रेशन को डेवलप करते हैं। तो अब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आपके पास मेंटल एप्टीट्यूड है, मेहनत कर रहे हैं, स्किल सेट डेवलप नहीं करते तो आप फेल कर जाएंगे और फिर वो मायूस हो जाते हैं। बाज लोग हैं कि वो उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे मेंटर्स मिलते हैं या अच्छा स्कूल मिलता है, यूनिवर्सिटी मिलती है, तो उनके अंदर ये वाला स्किल सेट तो आ जाता है, उनको एनालिसिस करना भी आता है, उनको आर्ग्यूमेंट डेवलप करना भी आता है, उनकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। लेकिन वो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उनका मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है, वो बैठकर मेहनत नहीं कर सकते, वो बैठकर फोकस होकर अपने गोल की तरफ परसिवियरेंस की तरफ नहीं जाते और वो लेजीनेस शो करते हैं या वो तो वो भी फ्लंग कर जाते हैं। सो इट मींस कि ये दो चीज़ों पे अगर आप काम करें, आपका एक तो पहला मेंटल एप्टीट्यूड है और दूसरा आपका स्किल सेट है, अगर दोनों को आप पैरेलल लेकर चलें, सो आई एम वेरी मच श्योर यू विल एबल टू क्रैक सीएसएस। अच्छा सर, ये तो बात हो गई है कि हमने सीएसएस को किस तरह लेके चलना है, उसके लिए क्या मैकेनिकल एप्टीट्यूड चाहिए, क्या उसके लिए आपका अपना जो आपने अपने आप को किस तरह कंडक्ट करना है, अपने पूरा आपने मेहनत किस तरह करनी है या आपके क्या स्किल सेट है। अच्छा सर, ये तो बात होगी कि आपने वंस यू आर डन विद सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब मुझे बताएं कि अब एक ऑप्शनल है एफपीएससी ने तो उसके ऊपर 4 बुक्स रेकमेंड की हुई है, 5 बुक्स रेकमेंड की हुई है, तो अब मुझे बताएं कि अगर हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट ये कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ना है एक्स वाई जी, उसके लिए क्या हमें वो 4 से 5 बुक्स जो या मटेरियल जो रेलेवेंट है एफपीएससी ने रेकमेंड किया वो पढ़ना चाहिए, या आप कहेंगे कि 1-2 बुक्स जो अच्छी हैं उसको पढ़ के अपना जो उसके अंदर जो एनालिसिस है वो डेवलप कर सकते हैं, या उसके लिए और क्या क्या हमें चीज रिक्वायर्ड होगी कि अगर हमने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो है एक अच्छा स्कोर करना है। देखिए जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी वजह यह है कि एक दफा आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया ऑप्शनल, नाउ यू वॉन्ट कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे भी चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2 तरह की बुक्स हैं मार्केट में, एक है क्वालिटी बुक्स हैं जहाँ पे आपके पास ऐसे ऑथर्स हैं जो कि एक वेल रिसर्च्ड बुक लिखते हैं विद रेफरेंसेस, विद सोर्सेज, विद फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, एक तो ये बुक्स हो गई। एक है सब स्टैंडर्ड बुक्स, अब सब स्टैंडर्ड बुक्स ये हैं, फलां गाइड ले लें, फलां मॉडल पेपर ले लें, फलां शॉर्ट कैप्सूल ले लें, ये ले लें, वो ले लें, मैं किसी की एफर्ट्स को डिसक्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने सीएसएस पास करना है तो यू हैव टू गो फॉर गुड बुक्स, बुक्स जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं, स्टैंडर्ड आइडियाज़ हैं और उन्होंने उनको प्रॉपरली सब्सटेंशिएटेड आइडियाज़ हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। अब सवाल ये है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ें आप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेबस, आपको एफपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, आपने उसमें से टॉपिक देखने, वो टॉपिक आपको कौन सी बुक में मिल रहा है, जिस बुक में आपको मिल रहा है, वेदर इट इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, इट डजेंट मैटर, एक अच्छे ऑथर की बुक होनी चाहिए वो। एंड ऑब्वियसली आई विल से कि आप रिकमेंडेड बुक्स की तरफ जाएं, क्योंकि रिकमेंड किया है तो जाहिर सी बात है सिलेबस का टॉपिक वहां पे आपको मौजूद होगा, तो आप वो वहां से पढ़ें। और आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो इतने जनरल हैं कि उनके लिए बुक भी नहीं चाहिए, वो आप इंटरनेट ही आपको सफिशिएंट रिसोर्स दे देता है, लेकिन अगेन क्वालिटी रिसोर्स की बात हो रही है। सो यू शुड गो फॉर क्वालिटी, नॉट कि भाई आपको जो बुक मिले या जो सब स्टैंडर्ड बुक आए या ऐसी बुक जिसका कवर बड़ा खूबसूरत है या ब्रांड का नाम बहुत बड़ा है आप चले, नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी कंटेंट। तो आप क्वालिटी कंटेंट लें, अपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता चलूँ आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है। अब आपने एक ऐसी बुक पकड़ ली जो एडवांस्ड है, बेशक क्वालिटी बुक ही हो, लेकिन एडवांस बुक में आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी होगी। तो सबसे पहले वो बुक उठाएं जिसमें बैकग्राउंड है, जो फाउंडेशन है टॉपिक की, बेसिक्स हैं अगर सब्जेक्ट है या टॉपिक है, अपनी बेसिक फाउंडेशन को पहले कवर करें, उसके बाद टॉपिक पे अगर टॉपिक जो भी है उसको आप कवर कर लें उस अच्छी बुक से। और लास्ट में ये कहूंगा, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। जो लोग ये समझते हैं कि ये किसी और के नोट्स लेके या किसी ऐसे क्वालिफायर के नोट्स लेके जो पहले से सीएसएस कर चुका है आप उसके नोट्स लेके पास कर देंगे, तो नहीं, रीड गुड बुक्स, रीड क्वालिटी बुक्स, मेक योर ओन नोट्स, और देर इज नो रूल कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़नी है, 1 पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 6 पढ़नी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिलेबस कितना है, जहां आपका सिलेबस कवर हो जाए, और पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बुक उठाएं, अपना टॉपिक देखें, टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, दैट्स इट, गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इंशाल्लाह जब आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे यू विल बी एबल टू क्रैक दैट सब्जेक्ट इन अ वेल मैनर। अच्छा, अभी यहां पे सर ने बात ऐड की नोट्स की, हमारे एरिया, हमारी सराउंडिंग में, हमारी विसिनिटी में क्या होता है, या जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं वो देखते हैं कि किसी ने सीएसएस को क्रैक कर लिया है तो वो इमिजिएटली दे गो फॉर देयर नोट्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरह सर ने कहा कि नोट्स जो हैं वो हर
जो एस्पायरेंट है उसने अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से उसने बनाए होते हैं, तो आप कभी भी किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ के आप सीएसएस क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, रेयर केसेस होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी केसेस को देखें जो लोग फ्लंक करते हैं ऐसे जो सीएसएस में, तो उनका ज्यादा और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि उन्होंने क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ा होता, उन्होंने रिसर्च नहीं की होती, उन्होंने सिर्फ दूसरे जो एस्पायरेंट्स हैं जो सीएसएस क्रैक कर चुके हैं उनके नोट्स के को देख के वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट, इसको शॉर्ट रूट ले लें। अब सर यहां पे तो बात होगी नोट्स वगैरह की। अब एक एस्पायरेंट है, अगर आज से हम बात करें, अभी 7-8 महीने हैं अगले सीएसएस को आने में, तो अब क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे एस्पायरेंट्स को कि अब वो अपना किस तरह टाइम टेबल, किस तरह का स्केड्यूल बनाए कि वो इजीली इन 7-8 महीनों में वो अपना कोर्स कवर कर सकें। और ये एक चीज, और दूसरी चीज बताएं कि क्या 7-8 महीने इनफ हैं सीएसएस को करने में, क्योंकि आपने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 1-1.5 साल लगा अपना स्किल सेट डेवलप करने में, तो वो क्या 6-7-8 महीने में डेवलप हो सकता है, और अगर वो हो सकता है तो उसके बाद वो किस तरह अपना स्केड्यूल बनाए? जी देखें, सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या 8 महीने में सीएसएस हो सकता है, तो सीएसएस तो 4 महीने में भी हो सकता है। ज़रा मैं आपको समझाता हूँ इसको, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने पहले बात की कि आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना है, उसके बाद सीएसएस की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी अप्रोच ये होती है कि पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने पेपर देने, और फिर जो है वो फुल फ्लेज उसकी, मतलब वो पेपर के माइंडसेट में आ जाते हैं कि भाई मैंने देने ही देने, और फिर तैयारी शुरू करते हैं। नहीं, आपने पहले ये नहीं देखना कि मैंने पेपर कौन से ईयर में देना है, सीएसएस हर साल हो रहा है, जल्दी कोई नहीं है। सबसे पहले आप देखें कि जो मेरा स्किल सेट है, यानी क्या मेरा रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है, क्या मैं जो बात करता हूँ वो सिर्फ मुझे ही समझ आ रही है या अगले बंदे को भी समझ आ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एग्जामिनर आपको तो नहीं जानता ना, वो देखेगा जो आपने लिखा है। तो आपका रिटन एक्सप्रेशन कैसा है, क्या आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं, क्या आप किसी सब्जेक्ट की फेवर में या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और अब फिर उसको आर्ग्यू करके क्या आप उसको स्पेसिफिक एग्जांपल से डिफेंड कर सकते हैं। ये वो स्किल सेट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो आई थिंक 6 महीने का टाइम रखें आप, और उस 6 महीने में आप अपने ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि लोगों को नोट्स बनाने नहीं आते, मतलब वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो रीड कर रहे हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करके जो नोट्स हैं जो बाद में वो रिवाइज करेंगे, वो भी बनाना नहीं आते। और अगर वो बंदा जिसको नोट्स बनाना नहीं आते, जिसको आर्ग्यूमेंट करना नहीं आता रिटन में, जिसका रिटन एक्सप्रेशन नहीं है, उसको फिर अच्छा खासा टाइम चाहिए पहले अपनी इन स्किल्स को डिवेलप कर ली, उसके बाद फिर वो तैयारी करे, सिलेबस को कवर करे, और उसके बाद जो है वो अपियर हो। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद मेरी स्टोरी समझकर ये इंप्रेशन लेना शुरू हो जाएं कि मेंटोरशिप ज़रूरी नहीं है। मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, यानी आपको कोई गाइड करने वाला ज़रूरी है। इनफैक्ट ये सीएसएस एग्जामिनेंट का जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ हेयर टू गाइड यू, यानी जो चीज़ें आपको खुद से ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो आपको 6 महीने साल बाद पता चलनी है, वो मेंटोर या वो कोई आपका जो कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी मेंटोरशिप जो कर रहा है वो आपको एक दिन में बता देगा। सो वाई वेस्ट योर प्रेस्टिजियस टाइम? सो आपने मेंटोरशिप लेनी है, बट सिर्फ मेंटोरशिप के सहारे नहीं लेना, आपने मेंटोरशिप से आइडियाज लेने हैं और उन आइडियाज के ऊपर काम करना है थ्रू प्रॉपर हार्डवर्क, और फिर जाके आप क्रैक कर पाएंगे। सो लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि 6-8 महीने आर इनफ फॉर दोज जिनका स्किल सेट डिवेलप्ड है। जिनका स्किल सेट ही नहीं है, पहले दे शुड गो फॉर देयर डिवेलपिंग देयर स्किल सेट, उनको 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं अपने स्किल सेट में, उसके बाद दे शुड गो फॉर द अटेम्प्ट। अच्छा सर, अब इधर एक बात आती है कि कहा जाता है कि न्यूज़पेपर आर सिमिलर टू बाइबल फॉर सीएसएस, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो कितने ये आपके कंपल्सरीज में, कितना ऑप्शनल में, और कंपल्सरी की अगर बात की जाए तो मोर स्पेसिफिकली ऐसे में इसका कितना अमल दखल है, ऐसे में कितना आपको ये कंप्लीमेंट करती है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके अंदर से फिर आपने नोट्स मेकिंग करनी है, तो ये कितना ज़्यादा एक ये क्रिटिकल है और फॉर सीएसएस एंड टू फॉर क्रैकिंग इंग्लिश ऐसे स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर थोड़ा सा। देखिए, जहाँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, वो ये है कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज़ नो सेकेंड थाट अबाउट इट कि न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि सीएसएस इट्स अ जनरल नॉलेज काइंड ऑफ एग्जाम ना, तो ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इट्स अ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए जो न्यूज़पेपर है और जो मैगजीन है, देर आर वेरी एफिशिएंट यू नो रिसोर्स, तो वो पढ़ना तो है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है एकेडेमिक डिस्कोर्स और एक है जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स।
तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने एकेडमिक डिस्कोर्स की तरफ जाना है, बिकॉज सीएसएस इज एकेडमिक, इट्स नॉट जर्नलिज्म। अब मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो जर्नलिज्म होता है, ठीक है, कि शहर में कितनी गाड़ियां जो है वो किनका क्या हादसा हुआ, पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को क्या कह दिया, फलां पॉलिटिशियन का स्कैंडल क्या था, दिस इज जर्नलिज्म। बट वी आर नॉट हेयर फॉर जर्नलिज्म, हमने सी एस एस को पढ़ना है फ्रॉम एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब एकेडेमिक के लिए कौन कौन से सेक्शंस जो है वो रेलिवेंट हैं? एकेडेमिक के लिए जो सेक्शंस रेलिवेंट हैं वो ओपिनियन, जो ओपिनियन का पेज है, जो एडिटोरियल्स का पेज है, वो एकेडेमिकली साउंड है, तो आप उसको पढ़ें। या फिर क्या है कि आप न्यूज़पेपर से फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, उसमें आपने जो है, बल्कि आप एक ऐसा करें कि आप अपनी एक फैक्ट बुक रखें और फैक्ट बुक में आपने न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको जो है वो आप अपने पास नोट करें। होता यह कि आप दो दो घंटे ऐसा मटेरियल पढ़ने में न्यूज़पेपर में लगा रहे हैं जो जर्नलिस्टिक मटेरियल है, जो एकेडमिक नहीं है और जो आपको हेल्प नहीं करेगा। सो आपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, आपकी एकेडमिक अप्रोच होनी चाहिए। सी एस एस इज एन एकेडमिक एग्जामिनेशन, आपने एकेडमिकली चीज़ों को देखना है, कोई भी टॉपिक है उसका बैकग्राउंड, उसकी करंट सिचुएशन एकेडमिकली देखना है, और फिर फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स जो न्यूज़पेपर में, जो करंट फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स हैं, जो बुक्स में ऑब्वियसली बुक्स क्योंकि पुरानी लिखी होती, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो न्यूज़पेपर को इस अप्रोच के साथ जाना है, इट विल हेल्प। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम रिटन तक, टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट रिटन एग्जाम, देखिए एक सी एस एस इज अ बिग और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, 20,000, 25,000, 30,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। अब जब 20,000 से 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स पेपर देंगे तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है पेपर, ऑब्वियसली वो तो लिमिटेड होंगे, दो होंगे, चार होंगे, छह, जितने भी होते हैं, तो वो तो उसके पास तो कहा ये जाता है और एक परसेप्शन ये बनी हुई है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं आपका पेपर पढ़ने में। तो यहां पे फिर सवाल उठता है कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक किस तरह की होनी चाहिए कि वो कंपेल हो जाए आपका पेपर पढ़ने। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक कितनी क्रिटिकल, कितनी क्रूशल और कितनी इंपॉर्टेंट है और होनी किस तरह की चाहिए? देखिए सर, यहां पे भी हमें डायकोटमी देखनी पड़ेगी एक, एंड दैट इज के जी दो चीजें हैं पेपर के अंदर, वन इज कंटेंट, द अदर वन इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ लोग कंटेंट मीन्स द आइडियाज विच यू आर पुटिंग फोर्थ, क्वालिटी कंटेंट इज नॉन नेगोशिएबल, यानी क्वालिटी कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंटेशन पे सारा फोकस होगा, सारे के वो हेडिंग्स बोर्ड डालनी है, फ्लो चार्ट्स बोर्ड डालने हैं, मतलब वो इतना खूबसूरत करके, रंगीन करके पेश करना है कि वो कंटेंट को भूल जाते हैं। अगर वो इस इंप्रेशन के अंडर हैं कि हम प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त कर दें और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका कंटेंट रीड करेगा, ही नीड्स क्वालिटी कंटेंट। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कंटेंट के ऊपर, आपने अपने कंटेंट को अच्छा कर, और अच्छा कंटेंट कहाँ से आएगा? फ्रॉम गुड बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे अच्छा कंटेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो ये समझता है कि सिर्फ कंटेंट ही काफ़ी है, प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज वाई? क्योंकि आपने उस कंटेंट को इस तरह पेश करना है कि यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। तो आपने कंटेंट भी क्वालिटी, ये तो पहला है ना, ये तो एक वो आप कह रहे हैं प्री रिक्विजिट है, यानी यू नीड गुड कंटेंट। उसके बाद नाउ हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट दैट कंटेंट, एंड दैट विल बी थ्रू गुड प्रेजेंटेशन, दैट विल बी थ्रू गुड हेडिंग्स, दैट विल बी थ्रू सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स, थ्रू मैप्स, और ये सारी प्रैक्टिस से आती है। अगर आपने कभी जिंदगी में मैप नहीं बनाया और आप सोचेंगे कि कोई एक इंस्पिरेशन आएगी और एक ज़बरदस्त मैप बन जाएगा, सो ऐसा होने वाला नहीं है, आपको पहले से मैप्स को जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वो लोग जो प्रेजेंटेशन पे गौर नहीं करते, उनको नुकसान क्या होता है? उनको नुकसान ये होता है कि वो हर क्वेश्चन में एक दो मार्क्स लूज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन से, जो गेन कर सकते थे, तो हर क्वेश्चन में एक दो मार्क्स लूज कर रहे हैं। ऑन एवरेज पेपर में वो हर पेपर में 8-10 मार्क्स लूज कर रहे हैं, और 11 पेपर्स में वो 100-110 मार्क्स लूज कर रहे हैं। तो 100-110 मार्क्स यहां पे आप सी एस एस 2020 में एक नंबर के ऊपर 5-5, 6-6 पोजीशन का डिफरेंस था एक नंबर पे। तो जो बंदा 80-90 मार्क्स लूज कर रहा है जस्ट बिकॉज उसने वो प्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट की, तो आई थिंक दिस इज अ बिग फॉली, ऐसा नहीं करना। सो अगेन इस डायकोटमी को याद रखना है, फर्स्ट कंटेंट फ्रॉम क्वालिटी बुक्स एंड देन प्रेजेंटेशन एज वेल, एंड इंशाल्लाह व्हेन बोथ विल कंबाइन यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। अच्छा सर, नाउ we are all done with the written part of CSS examination, but now ab ek bachcha written pass kar leta hai, uske baad ab aata hai the most crucial phase of psychological examination and the interview jo hai testing hai,
तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम दोनों ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि आपसे, क्योंकि देखें इंटरव्यू इतना, इंटरव्यू इज ऑफ 300 मार्क्स, तो इंटरव्यू हमारे पास सर बड़ी इस तरह की हैं, एग्जांपल्स हैं कि जिनके रिटर्न में कम स्कोर भी था लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में इतना एक्सेप्शनली प्ले किया कि वो बड़े अच्छे ग्रुप्स में एलोकेट हो गए। तो क्या अब हमने उसको देखना है कि जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर जाता है, वो उस मेहनत की है, उसने सब कुछ किया है, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की भी तैयारी करता है, नाउ अब जब वो इंटरव्यू के लिए आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने की, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि रिटर्न ही सबसे टफ होता है, मतलब रिटर्न ही सबसे ज्यादा है, तो एस्पिरेंट्स का जो ज्यादा फोकस है वो नेचुरली पहला फोकस तो यही है कि हम रिटर्न क्लियर कर लें। अब कुछ लोग ये होता है कि वो रिटर्न क्लियर करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब वो समझते हैं कि इंटरव्यू इज जस्ट अ केक वॉक। ऐसा नहीं है, रिटर्न नो डाउट रिटर्न इज द मेन, मतलब ये तो सबसे टफ है ही, लेकिन एक दफा जब आप रिटर्न क्लियर कर लिया है तो आपकी एलोकेशन में जो एक बहुत ही डिसाइसिव रोल, जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, वो इंटरव्यू प्ले करेगा। अब रिटर्न के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो अलग हैं, इंटरव्यू के प्री रिक्विजिट्स अलग हैं, ठीक है। और इंटरव्यू का जो प्री रिक्विजिट है वो एक ये है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ हम बात कर रहे हैं, पहले रिटन एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अब हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, दैट मैटर्स। और जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनको बताता चलूं कि आपका इंटरव्यू थ्रू आउट इंग्लिश में होना है, और इंग्लिश को बोलना, और ऐसे बोलना कि आप अपने आइडियाज दूसरे तक पहुंचा सकें, कोहेरेंटली बोलना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो जुमले बोल रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, डज इट मेक सेंस? क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि आपके माइंड में तो आइडिया होता है कि क्या बात करनी है और वो करेक्ट आइडिया होता है, लेकिन क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप इतने वीक होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि वो आप उसको कोहेरेंटली अगले बंदे को बता नहीं सकते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी आपने ये क्वेश्चन किया है, आई नो अबाउट इट, अब मैं इसका मेरा ये रिप्लाई है। यहां पे फर्क पड़ता है मेंटोरशिप का फिर, यानी जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं या जो जिनका एनवायरनमेंट घर का जरा अच्छा है, एजुकेटेड है, वो लोग इंग्लिश को बोलने में इतनी हेजिटेशन फील नहीं करते। जो लोग इस एरिया को थ्रू आउट निग्लेक्ट किए हुए हैं, इंग्लिश बोलने वाले एरिया को, वो फिर स्ट्रगल करते हैं और उनके मार्क्स भी लो आते हैं, जो कि जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी चीज को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे सही से, तो वो अगला बंदा आपको मार्क्स कैसे देगा? अब मैं कहीं पे इंटरव्यूअर हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे तो नहीं पता कि जो इंटरव्यूई है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो मेरे तक वर्ड्स पहुंचेंगे, जो मेरे तक जो कुछ वो डिस्कोर्स आएगा, मैं तो आई विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट। सो यहां पे ये बात करूंगा कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बहुत ही एक मतलब जो है ना वो बीबीसी बन जाना है, नहीं, लेकिन इतनी आपकी इंग्लिश हो, सिंपल इंग्लिश, कि सिंपली आप अपने आइडियाज़ को इंग्लिश जुबान में बगैर हेजिटेशन के, बगैर स्टैमर किए, बगैर घबराए पहुंचा सकें, तो ये हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि भाई जो आपने अपने ऑप्शनल्स किए होते हैं उनको थोड़ा सा आपने अब डेप्थ में जाना होता है। रिटन में आपके पास चॉइस है, आपने अगर एक टॉपिक कवर नहीं किया आप उसको स्किप कर सकते हैं, इंटरव्यू में आपके पास ये चॉइस नहीं है, तो आपने वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, उनको इन डेप्थ कवर करना है, एक तो ये हो गया। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ कि आपने घबराना नहीं है, और वो इस वजह से क्योंकि घबराहट जब आपकी फीलिंग्स ऐसी होती है ना कि वो आपको बाज़ दफ़ा ओवरवेलम कर जाती हैं और आप वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं, तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर आप इन पे काम करेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा एंड देट विल हेल्प टू इन योर एलोकेशन एज वेल। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि 2017 का अगर जो CSS का हम रिजल्ट देखें तो बड़े हाई स्कोरिंग मार्क्स थे इंटरव्यू में, लेकिन ये जो ट्रेंड था ये चेंज हुआ है पिछले एक दो सालों से, अब इतना हाई स्कोरिंग इंटरव्यू नहीं जा रहा। अगर यू आर स्कोरिंग 150 तो 150 स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर इन योर इंटरव्यू, तो इसकी क्या वजह है कि क्या इंटरव्यू पैनलिस्ट का क्या माइंड सेट चेंज हो गया, क्या वो मार्क्स क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें कि एक्सपीरियंस आपने क्या किया उधर जाके इंटरव्यू के। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि वाकई हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो ये है कि इंटरव्यू में अब मार्क्स एलोकेट नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है, पैनल टू पैनल भी वेरी करता है, क्योंकि ये पैनल की डिस्क्रिशन है कि वो आपको कितने मार्क्स अलॉट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है तो उस साल का जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपका जो 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 भी मतलब जो एक एवरेज स्कोर बन रहा है उस एवरेज से ऊपर ही आएगा,
और आपकी एलोकेशन फिर जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी जब आप अबव एवरेज हैं। तो आपने ये फोकस नहीं करना कि आपके एब्सोल्यूट मार्क्स कितने हैं, आपने ये फोकस करना है कि उस साल का जो एवरेज मार्क्स हैं उससे मेरे ज्यादा हों। और वो कैसे होगा, दो चीजें हैं। नंबर वन कि जो आपका कंटेंट है वो कवर हो, यानी आपका सिलेबस कवर हो, आपका जनरल नॉलेज जो है वो ठीक हो। अब जाहिर सी बात है इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। स्टार्ट विद योर ऑप्शनल्स, दैट इज योर टर्फ। यानी आपको अगर ऑप्शनल में से कुछ नहीं आता तो दैट इज अ बिग नो। दैट्स मतलब वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट करेगा क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है, आपने उसमें अपीयर हुए। तो एक तो ऑप्शनल से शुरू करें, ऑप्शनल्स कवर होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए पाकिस्तान। दिस इज योर कंट्री, यू आर गोइंग टू ज्वाइन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू कवर योर ऑप्शनल्स, फिर पाकिस्तान के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं उसके फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स कवर हों। फिर अगर आपको जितना टाइम मिलता है बाकी भी खैर वो कर ले, तो ये चीजें जब आपको कवर होंगी और फिर आप उसको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली जब आप कोहेरेंट इंग्लिश में कहेंगे, सो डेफिनेटली योर स्कोर विल बी अबव एवरेज एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड एलोकेशन। एग्जैक्टली सर, मैं आपकी इधर बात को सेकंड करूंगा। मैं एक जनरल साहब थे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे थे, तो मेरी उनसे वैसे ऑफ द रिकॉर्ड एक बातचीत हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक बच्चा आपके पास आता है आप इंटरव्यू देने, तो आप उसके अंदर क्या जज करते हैं। वो कहते हैं कि यार आप एक बच्चा सिविल सर्वेंट बनने आया है, अगर उसको पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं है तो उसने जाके पाकिस्तान के लोगों को सर्व करना है तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि उसको उसको तो उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स का पता ही नहीं है या पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता ही नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज सर, आपने इस दफा जो इंटरव्यू हम दोनों गुजरे इस फेज से, हमने एक चीज बात अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमने एक चीज एक्सपीरियंस की, वो ये थी कि इंटरव्यू पैनल स्टार्टेड फ्रॉम यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, फ्रेंच हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, मतलब दुनिया की सारी हिस्ट्री को उन्होंने घुमा के आपके सामने रख दिया। और अगर आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं था, ऑप्शनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल के साथ साथ उनको उन्होंने ये चीज बच्चों के अंदर इस दफा जो हमारा एनालिसिस है कि देखिए कि इनको दुनिया की हिस्ट्री के बारे में कितना पता है, तो ऑब्वियसली आपसे भी इसके बारे में क्वेश्चनिंग हुई होगी, तो आपका क्या इस पे वो है टेक केयर। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एंड स्टार्ट में इट वॉज चैलेंजिंग एज वेल कि भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री कवर करना बड़ा मुश्किल है, वैसे भी हिस्ट्री थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, तो दुनिया की हिस्ट्री करना और फिर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट वॉज अ गुड एडिशन। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक बंदा जिसने सिविल सर्विस में जाना है, जिसने अब आपको पता है वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो आपकी मायोपिक विजन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको सिर्फ अपना ही पता ना हो, आपको पड़ोसी मुल्क का भी पता हो, आपको बाकी सिविलाइजेशंस का भी पता हो, उनकी जो हिस्ट्री के मेजर जो एब्सेंट फ्लो, मतलब जो उनका जिस तरह फ्लो किया उसकी हिस्ट्री ने, अगर आपको उसका पता है तो आप उनसे बेहतर तरीके से डीलिंग कर सकेंगे, बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड एडिशन, और हमारे जो नेक्स्ट सीएसएस एस्पिरेंट्स जो हैं अभी इस वक्त और जो नेक्स्ट सीएसएस देना चाह रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना जो होराइजन है, मेंटल होराइजन, वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और बाकी सिविलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो रीड करना पड़ेगा, और दिस विल हेल्प यू इन योर एनालिसिस, इन योर आर्ग्यूमेंटेशन एज वेल। अच्छा जी, नाउ टुवर्ड्स इट्स कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरव्यू, हमने सर का इंटरव्यू लिया, बड़ी एक कैंडिड टॉक भी थी और बड़ा एक रिसोर्सफुल हमने इनसे इन डेप्थ एनालिसिस भी लिया सिविल सर्विसेज एग्जाम का। तो यहाँ पे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू रिटर्न एक अलहदा फेज है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको इनपुट अपनी डालनी पड़ेगी, और जो इंटरव्यू का जो फेज है ये ऑल अलॉन्ग डिफरेंट फेज है, ये आपको इसमें आके एक किस्म का दोबारा से सीएसएस करना पड़ेगा अगर आपने पहले उसको अच्छी तरीके से रिटर्न के अंदर नहीं किया। और अगर आप रिटर्न के अंदर क्वालिफाई कर भी गए हैं लिटिल एफर्ट के साथ, तो ये मैं आपको अभी से यकीन दिला देता हूं कि इंटरव्यू जो है वो एक कोई जो है शॉर्टकट नहीं है, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हमने सर का जो एक है बड़ा रिसोर्सफुल इंटरव्यू लिया और मुझे खुद बड़ा सीखने का मौका मिला इस चीज में। थैंक यू सो मच, और मैं आई एम वेरी मच प्लीज्ड एंड ऑनर्ड, क्योंकि मैं आपको एक फास्ट फैक्ट बताता चलूं कि मैंने अपनी सीएसएस की प्रेपरेशन में जो है वो सीएसएस एग्जामिन्ड जो चैनल है इसके थ्रू काफ़ी कुछ लर्न किया, मैंने जो है वो इसके कुछ लेक्चर्स भी देखे, मोटिवेशनल जो स्पीचेस थी वो सुनी, तो इससे मुझे भी बड़ा हेल्प मिली, एंड मकसद भी यहाँ पे आके, और आज मैं अपनी जर्नी में जिस चैनल से प्लेटफॉर्म से सीखता था आज उसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी स्टोरी से आपने जो परसीव करना है वो ये परसीव करना है कि अगर आपके अंदर इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड,
इफ यू आर विलिंग टू पुश योर लिमिट्स, ठीक है, तो आप जिंदगी में कोई भी टारगेट रखें, वेदर इट इज CSS या कोई भी, तो वो आप अचीव कर सकते हैं. CSS इज अ टफ एग्जाम, इट डिमांड्स एकेडेमिक रिगर, इट डिमांड्स अ स्किल सेट, मगर ये स्किल सेट और ये एकेडेमिक रिगर विद गुड मेंटोरशिप आप हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि आप अगर विलिंग इट टू पुट योर टाइम एंड एफर्ट इन इट, और इफ इफ यू हैव द स्किल सेट, इफ यू हैव गुड मेंटोरशिप, गुड गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस प्लेज अ रोल, और वो मैंने बताया कि गाइडेंस अच्छी होगी तो आपका टाइम बच जाएगा, आपकी जो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से वो बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि री इन्वेंटिंग द व्हील, अगर आप दोबारा व्हील को री इन्वेंट कर रहे हैं, सो इट्स यूजलेस, पर्पजलेस. सो इफ यू हैव द विलिंगनेस, द परसिवियरेंस, एंड इफ यू कैन वर्क ऑन योर स्किल सेट एंड एक्वायर दैट, एंड इफ यू आर विलिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, देन इंशाल्लाह अल्लाह विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट एंड मेक यू सक्सेसफुल इन दिस जर्नी. और इट वॉज सो कॉम्प्रीहेंसिव विद मैप्स, और फिर वो जो रूट सर ने बनाए, एंड वो क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक में, आई ऑलवेज यूज टू लूज ट्रैक के भाई कौन कौन से थे. तो मैं लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू था एंड मेरा रिटर्न था, तो मैंने जो है वो आई थिंक इंटरव्यू में मैंने सर की वीडियो देखी, एंड इट जस्ट क्लियर्ड माई कॉन्सेप्ट. मतलब आई वॉज इन अ पोजिशन, सिर्फ वो 8-10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आई वॉज क्लियर के भाई टॉक अबाउट इट आगे, क्योंकि आप खुद एक्सपोजिशन कर लेते हो, लेकिन वो पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको एक बहुत शुक्रिया. And it pays off at the end of the day when people like you come over and tell us that. And it is, you are like pioneers of this kind of thing in Pakistan. Both. नजर आती है. और फिर आपका competition सिर्फ पाकिस्तानी से नहीं है, आपका Indian से. Exactly. Exactly. सर को आप comments करके पढ़े ना. की videos पे comments आते हैं देशद्रोही. Terrorist. Terrorist. आतंकवादी टाइप. अच्छा मैं भी ना चुटकुले छोड़ता रहता हूँ कि हमारे fans from other side of. ठीक है.